जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीरों के लिए जिनकी एज निकल चुकी है, जिनकी एज निकल चुकी है और एज मतलब 21 हो गई है ना अग्निवीर में, तो 23 साल जिनकी एज बची है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरी जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो कि बताया जा रहा था कि 86,000 वैकेंसी आएंगी, केवल 23,000 वैकेंसी आई हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आप ये ना सोचें कि भाई 23,000 वैकेंसी आई हैं, क्योंकि एसएससी जीडी हमेशा ऐसा करती आई है कि पहले वैकेंसी कम निकालती है और बताती बाद में ज्यादा है कि भाई इतनी वैकेंसी आपकी बढ़ गई है, इतनी वैकेंसी आपकी हो गई है। तो दोस्तों, इसमें मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो एज बताऊंगा, एज है 18 से 23 तक। इसमें पहले रिटिन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, और रिटिन जो पासिंग मार्क्स होगा वो जितना भी उनका रखा गया, जैसे ओबीसी की अलग मेरिट लगेगी, जनरल की अलग मेरिट लगेगी और एससी एसटी की अलग मेरिट लगेगी, और स्टेट वाइज भी दोस्तों अलग मेरिट लगेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें उसके बाद होगा फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है, 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, वो आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है। उसके बाद होता है मेडिकल। तो दोस्तों, मेडिकल इसमें बहुत ही टफ बोला जाता है, परंतु मेडिकल बहुत अच्छा होता है इसमें। दोस्तों, आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो तैयारी बढ़ा दें, क्योंकि आप लोगों की एज अग्निवीर में अब की बार 21 कर दी गई है और ये परमानेंट जॉब है, ना कि 4 साल की जॉब है। और दोस्तों, अब आती है हम ये मेल और फीमेल, आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि इसमें लेडीज यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइट एक हाइट का और बताऊंगा, 170 सेंटीमीटर पूरी नपी हुई हाइट होनी चाहिए मेल में, और फीमेल में होनी चाहिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर हाइट। और इसमें फिजिकल, जब फिजिकल होंगे, फिजिकल के कोई नंबर नहीं होते हैं, केवल ये भर्ती रिटिन बेस होती है। उसके अगर आप सोचते हैं कि ये भर्ती फिजिकल बेस होती है, तो सभी लोग जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भर्ती केवल रिटिन बेस होती है। रिटिन के बाद फिजिकल होता है, रिटिन के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद इसका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक फाइनल मेरिट लगाई जाती है, जो फाइनल मेरिट अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से लगती है, और ओबीसी एससी एसटी जनरल की अलग अलग मेरिट लगती है। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, जिनकी एज बची हुई है और जिनकी एज ओवर हो चुकी है, वो अपनी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अपनी तैयारी बढ़ा दें, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती भी जल्दी ही आने वाली है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।